अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज मैं आपसे रिव्यू शेयर करूंगी बॉडी शॉप की इस प्रोडक्ट का जिसका नाम है एलो सूदिंग मॉइस्चर लोशन, जिसके अंदर SPF 15 है। ये पैराबन फ्री प्रोडक्ट है, फ्रेग्रेंस फ्री है, कलरेंट फ्री है, अल्कोहल फ्री भी है। आप इसको डे टाइम में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें SPF 15 है, लेकिन SPF 15 डे टाइम के लिए कम है। कम अज़ कम आपके पास SPF 30 होना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्ट ऐसे यूज़ करते हैं या कोई सनस्क्रीन यूज़ करते हैं उसके साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ लोशन या एज अ मॉइस्चराइजर जो आप फेस पे यूज़ करते हैं। ये फॉर्मूला है सेंसिटिव स्किन के लिए। इसके अंदर इंडिकम सीड ऑयल है जो कि आपकी स्किन टोन को ब्राइट करता है और आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है, और अगर आपकी स्किन पे कोई सनबर्न्स हैं तो ये उन सनबर्न्स को भी हील अप कर देगा। नेक्स्ट इसमें यूज़ किया गया है एलो ब्रबेंडिसिस लीफ जूस, जो कि अपनी सूदिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से मशहूर है, और ये आपकी स्किन को काम करता है। ये एक ह्यूमेक्टेंट है जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, और आपकी स्किन पे अगर कोई टेक्सचर है तो ये उस टेक्सचर को भी मिनिमल कर देता है। ये सनबर्न्स के लिए भी यूज़ होता है, या आपकी स्किन पे अगर कोई और प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। आप आम अल्फाज में इसको एलोवेरा भी कह सकते हैं। एलोवेरा आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, सनबर्न्स को भी ट्रीट करता है, तो ये एलोवेरा का ही दूसरा नाम है। इसमें कर्नल एक्सट्रैक्ट यूज़ किए गए हैं जो कि कर्नल ओट्स से लिए जाते हैं, जो कि आपकी स्किन की डर्ट को रिमूव करते हैं। आपके अगर स्किन पे कोई ऑयल अपीयर हो जाता है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयल को भी रिमूव करते हैं, और ये इफ़ेक्टिव होते हैं आपकी डल स्किन के लिए, और ये आप फाइट करते हैं अगर आपकी स्किन पे कोई इश्यूज हैं उनके लिए, और ये आपकी स्किन को लाइटन कर देते हैं, और आपकी स्किन टोन को इम्प्रूव करने के साथ साथ ये आपकी स्किन की टेक्सचर को भी स्मूथ करता है। अब हम इसके टेक्सचर को चेक करते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा है। ये देखिए, ये मैंने इसको प्रेस किया, बिल्कुल लाइट सा इसका टेक्सचर है। ये देखिए, जो स्किन में जल्दी से अब्सॉर्ब हो जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये लाइट वेट है और स्किन में ये जल्दी से अब्सॉर्ब हो जाता है। ये देखिए, मेरी स्किन में अब्सॉर्ब हो गया। लेकिन मैं आपको एक दफ़ा फिर बताती चलूं कि इसमें SPF 30 मिनिमम आपके लिए ज़रूरी है डे लाइट में, अगर आपने कोई भी SPF इस्तेमाल करना है तो। ये SPF 15 है, इसके अंदर आप इसको किसी और प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी फेस पाउडर के साथ जिसके अंदर SPF ऑलरेडी मौजूद हो, या कोई फाउंडेशन जिसके अंदर SPF ऑलरेडी मौजूद हो उसके साथ आप इसको एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एज अ मॉइस्चराइज़र मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसने मेरी स्किन को बहुत सॉफ्ट कर दिया और मेरी स्किन पे एक ग्लो आने लग गया। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि आपने ये प्रोडक्ट यूज़ की तो इसके आपकी स्किन पे क्या इफ़ेक्ट्स रहे।